मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। कि हमें दिल्ली में प्रदूषण को, जो वाहनों से व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, उसको काफी कम करना है। और हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। अपने को इस तरह से पूरा खाका तैयार करना है। इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसमें सब्सिडी का प्लान बनाया है। जैसे अगर आप टू व्हीलर या थ्री व्हीलर खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप फोर व्हीलर खरीदते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। और ये सब्सिडी भी खरीदने के 3 दिन के अंदर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे उस पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, वो भी फ्री होगा। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपकी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पेट्रोल तो इस्तेमाल होता नहीं है, उसको बिजली से चार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होती है। तो 100 चार्जिंग स्टेशन पूरी दिल्ली में जगह जगह बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, उसके लिए टेंडर दिए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो जाएंगे। जब से हमने ये पॉलिसी अनाउंस की है दिल्ली में पिछले अगस्त में, तब से 6,000 व्हीकल्स दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा चुके हैं। उनमें से अधिकतर को सब्सिडी मिल चुकी है, जो बच गए उनको भी सब्सिडी मिल रही है। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, अभी अपने को बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसको आगे बढ़ाना है। तो इसको अपने को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा कि अब अगर हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं अपने घर के लिए, अपने दफ्तर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो हम ये ठान लें कि मुझे भी प्रदूषण कम करने में अपनी भागीदारी करनी है, मुझे भी प्रदूषण कम करना है। क्योंकि हम सब लोग प्रदूषण कम नहीं करेंगे तो सरकार के प्रदूषण कम करने से नहीं होगा। व्हीकल्स की वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो व्हीकुलर प्रदूषण तो तभी कम होगा जब हर नागरिक अपना उसमें सहयोग करेगा। तो आज से हम स्विच दिल्ली कैंपेन शुरू कर रहे हैं, एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या उपयोगिता है, इससे आप कैसे स्वच्छ प्रदूषण में आप अपना सहयोग कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको जनता तक पहुंचाने के लिए ये स्विच दिल्ली कैंपेन। स्विच दिल्ली मतलब कि आप अपने पॉल्यूटिंग व्हीकल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक को की तरफ स्विच कीजिए। तो आज मैं दिल्ली के अपने सभी निवासियों से अपील करता हूं, जितने लोग दिल्ली में हैं, कि आप लोग इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए, आप भी जागरूकता फैलाइए और आप लोग भी ये प्रण लीजिए कि अगली बार जब भी आपको खरीदना पड़े व्हीकल तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, प्रदूषण कम करने वाला व्हीकल खरीदेंगे। मैं सभी RWS से, मार्केट एसोसिएशन से सबसे अपील करता हूं कि इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसके बारे में जनता के बीच में जागरूकता फैलाएं। जो डिलीवरी फ्लीट्स हैं, जैसे जो अलग अलग सामान डिलीवर करने वाली फ्लीट्स जिनके पास है, उनसे मैं कहता हूं कि वो भी स्विच करें अपनी सारी फ्लीट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन कंपनियों में काफ़ी व्हीकल्स होते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी फ्लीट को चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ें। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने प्रमाइसेस में चार्जिंग स्टेशंस बनाएं। दिल्ली में जितने मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सब से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि अपने अपने पार्किंग लॉट्स में वो चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाएं। दिल्ली सरकार भी इसमें अपना रोल अदा कर रही है। दिल्ली सरकार के अंदर हम जितने व्हीकल्स हायर करते हैं, हमने तय किया कि अगले 6 महीने के अंदर हम स्विच कर जाएंगे, हम जो भी व्हीकल हायर करेंगे उसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हायर किया करेंगे। मैं खास तौर से सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप जब अपनी पहली गाड़ी खरीदें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिएगा। नमस्कार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल क्या है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है और अगर कोई युवा पहुंचता है अपनी गाड़ी खरीदने के लिए तो पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक ही खरीदनी है और हम सबके सहयोग से ही प्रदूषण को हम कंट्रोल में आप कर सकते हैं। दिल्ली में जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन होंगे जिनसे कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी बैटरी चार्ज कर पाएंगे और साथ ही साथ सब्सिडी भी वाहनों की खरीद पर दी जाएगी जिससे कि आप इस कैंपेन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, लोग और ज्यादा इंस्पायर रहें इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने को लेकर। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, ये अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा और कहा कि प्रदूषण चूंकि बहुत ज्यादा दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहा है, इलेक्ट्रिक कारों के जरिए, इलेक्ट्रिक कार जब आप सड़क पर रहेंगे तो फिर प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा।